on top of the world. Yeah, they looking up. Know the clock ticking. We about to... Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Time Drive. Finally, Kia Sonet हमें मिल गई है drive करने के लिए. As we all know, Kia की पहली ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन छोटे एसयूवी मार्केट में. बड़े सारी चीज़ें इसमें अगर हम देखें तो पहली बार यहाँ देखने को मिल रही है इस सेगमेंट के हिसाब से. वेंटिलेटेड सीट्स इस सेगमेंट में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. 10.25 इंच का स्क्रीन. स्क्रीन के अंदर अगर बात करें कुछ एक फीचर्स पहली बार कंपनी इसमें कर रही है, जैसे एक फीचर तो आप देखें खुद ही अपने आप ही अनलॉक होती है यहाँ नज़दीक का. इसको रिमोट का रीड किया इस कार ने और इसके रियर व्यू मिरर्स खुल गए. स्क्रीन की बात करें, ब्लूटूथ के दो फोन से कनेक्टिविटी की इसमें सुविधा है. यूओ कनेक्टिविटी ऐप के जरिए 57 फीचर्स हैं, प्लस उसमें ड्राइवर साइड जो विंडो है उसे आप अपनी कार को आदेश दे सकते हैं कि खोलो भाई खोलो, तो वो विंडो खुल जाएगा. इसके अलावा जैसे हमने बताया, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो इसमें दिया गया है उसमें कंपनी कह रही है ऑलमोस्ट 99.9% वायरस से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. और क्या नया है? और नया है आपको इसमें ऑटोमेटिक साथ डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है. तो बड़ी सारी चीज़ें इसमें पहली बार आई हैं, नई हैं. बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं, जैसे कि ये कि इसमें बहुत सारे सेल्टॉस वाले आइडियाज़ भी फॉलो किए गए हैं, जैसे जीटी लाइन टेक लाइन दोनों ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा. फिलहाल जीटी लाइन हमारे पास है. बिफोर वी स्टार्ट दिस स्टोरी, और इसके असली जो मकसद है इस स्टोरी को करने का, दैट इज सोनेट की ड्राइव कैसी चलती है ये, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमें लगभग पता है कैसी चलती है. उसके ऊपर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की यूट्यूब के ऊपर टाइम ड्राइव के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं. सभी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह के ऊपर टाइम साइड को फॉलो करें. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. चलिए तो स्टोरी शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि जीटी लाइन ये है. तो जीटी लाइन में इसमें भी आपको जो डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स हैं सेल्टॉस की तरह ही, आपको स्पेशली जो रेड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. जीटी लाइन के यहाँ बैजिंग है, ग्रिल के ऊपर रेड हाईलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे. ये रेड की लाइन आपको यहाँ स्किड प्लेट के ऊपर भी नज़र आएगी और साइड में भी आपको रेड की लाइन आपको नज़र आएगी. इसके अलावा जो व्हील्स हैं और ब्रेक कैलिपर्स हैं वहाँ पर भी रेड एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा. एक एलिमेंट है जिसके बारे में ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, बिकॉज किया का ये शौक़ है और आई थिंक उनकी यू नो कम्युनिकेशन का ये स्टाइल भी है, जहाँ पर किसी न किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ वो मेल करते हुए डिज़ाइन एलिमेंट्स डालते हैं. यहाँ पर टर्बो शेप्ड आपको स्किड प्लेट अलग देखने को मिलेगा जीटी लाइन में. और एक और चीज़ जो आपने मेरे पुराने वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फिर आपको याद होगा, हार्ट बीट शेप आपको ये DRL या इंडिकेटर जो कॉम्बिनेशन लाइट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन ज़रूर है, लेकिन इसके लुक में जो सबसे डिस्टिंक्ट यू नो एलिमेंट या डिसरप्टिव एलिमेंट मुझे इस सेगमेंट के हिसाब से लगता है वो है इसकी मैस्कुलिनिटी. या जी आई नो टाइगर नोज ग्रिल और बाकी सारे एलिमेंट्स या क्रोम, ये बहुत सारे गाड़ियों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा. टाइगर नोज ग्रिल तो ऑब्वियसली टिपिकल किया डिज़ाइन है ही, लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ख़ास नज़र आई, जिस तरह से आप बोनेट के लाइंस को देखें और व्हील आर्चेस को देखें, ये जो बल्क इसमें ऐड करता है सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की एसयूवीज़ में आमतौर पर हम यू नो एसयूवीज़ फील थोड़ी कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर किया के डिज़ाइनर्स ने उसे न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि थोड़ा एम्पलीफाई किया है. सो अपने साइज़ अपने सेगमेंट के हिसाब से इसका चेहरा मोहरा थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लुक के हिसाब से दैट लुक्स मोर एसयूवीज़. यहाँ पर ऑटो की बैजिंग है, बिकॉज एज वी टोल्ड यू दिस इज डीजल ऑटोमेटिक. और पिछले हिस्से में अगर आप देखें जो ये अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ के डिज़ाइन में भी आप जिस तरह से यहाँ पर स्टाइल देख रहे हैं वहाँ पर भी रेड के हाईलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे. बॉडी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 16 इंचेस छोटे नहीं लग रहे हैं, दे आर प्रीटी प्रोपोर्शनेट. पिछले हिस्से में अगर मैं कहूँ तो ये लाइट्स का एलिमेंट, आई गेस हाल फिलहाल में अगर लुक्स को हम देखें, चाहे छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, सभी में लाइट्स का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसको कैसे स्टाइलाइज किया जाता है, वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव एलिमेंट होता है, पर्सनैलिटी डिफाइन करता है. और वही चीज़ किया के डिज़ाइन में भी आपने देखी. आगे भी जो लाइट का सेटअप है पूरा वो काफ़ी खूबसूरत आपको लगेगा. पिछले हिस्से में भी अगर हम देखें तो ये लाइट का जो सेटअप है दैट लुक्स नाइस, प्लस ये जो पूरा स्ट्रिप है वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं. एंड आई समहाउ फाइंड दिस काइंड ऑफ यू नो लाइट सेटअप रियली अट्रैक्टिव. तो उस हिसाब से आगे जितनी बल्कि यह राउंडिश लग रही है, पिछले हिस्से में थोड़ी सी फ्लैटिश आपको लगेगी. अगेन रेड यहाँ पर हाइलाइट्स इस जीटी लाइन में आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे.
वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी चीज़ आपको याद दिला दें कि वेन्यू जो है Hyundai की वेन्यू, उसी के ऊपर बेस है ये किया की सोनेट, और वहाँ जो रेफरेंस पॉइंट है वो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी कैसी साइज और आकार और बनावट के हिसाब से हो सकती है, आकार प्रकार के हिसाब से। ऑब्वियसली बनावट या डिज़ाइन तो इसका अलग है। अब जब बाहर में हम बात कर ही रहे तो इसके एक और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं जो कंपनी कह रही है कि अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर है, दैट इज़ द लगेज स्पेस। और इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो लगेज स्पेस आपको इम्प्रेसिव रहेगा, हाइट भी आपको ठीक ठाक मिलेगी और वैसे भी सामान रखने की जगह भी आपको काफ़ी मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा ये नीचे है, सामान रखने या निकालने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी, बट एक्स्ट्रा स्पेस ऑलवेज हैव्स, यहाँ पर वो आपको फीचर देखने को मिलेगा। चलिए, तो लगेज स्पेस की बात हो गई, लुक की बात हो ही गई, और अब बात करते हैं उस पहलू की जहां पर किया हमेशा से जोर देती है, और वो है लिस्ट ऑफ फीचर्स। यहाँ फीचर्स की लिस्ट आपको काफी लोडेड उस हिसाब से देखने को मिल रही है, उस लिस्ट को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ड्राइवर सीट पर बैठकर क्या कुछ नजारा मुझे देखने को मिल रहा है, लेट्स टेक अ लुक। नाउ वी स्टार्टेड दिस इंजन, और यहाँ पर सबसे पहले क्या कुछ नज़र आ रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। अगेन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन तो है ही, प्लस पार्क असिस्ट के बटन्स कंट्रोल्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील को अगर हम देखें काफ़ी प्रीमियम फील वाला, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा ये देखने को मिलता है, स्पोर्टी मुझे फील ज़रूर इसमें मिलती है। क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पर कंट्रोल, और प्लस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन में टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको बटन है। लेफ्ट साइड में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और ऑडियो कंट्रोल के आपको यहाँ पर बटन्स देखने को मिलेंगे। नीचे GT लाइन की बैजिंग अलग से दिख रही है, जो स्टिचिंग है वो रेड वाली काफ़ी अच्छी अलग से यहाँ पर नज़र आ रही है, सेम थिंग बाकी अपहोस्ट्री में भी। सो GT लाइन की जो फील है बैजिंग के अलावा ये स्टिचिंग में भी आपको नज़र आएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट जो आजकल डिस्कशन पॉइंट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, दैट इज़ दिस बिग स्क्रीन, और ये साइज़ जो है वो काफ़ी आपको बड़ा वाकई लगेगा, शायद इतना बड़ा कि इस स्पेस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आपको लगे, बट आई गेस कस्टमर्स वुड बी हैप्पी। बड़ी सारे इससे इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं, प्लस जो डिस्प्ले है न सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से बल्कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा ये लगता है। बहुत सारे जो फिजिकल जो टच बटन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहे हैं, प्लस अगर आप होम में देखें तो यहाँ नेविगेशन है, बीच में आपके फ़ोन की जानकारी है, और राइट साइड में यहाँ पर क्लॉक फिलहाल सेटअप देखने को मिल रहा है। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट कंट्रोल के जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ काफ़ी अच्छे कॉम्पैक्ट स्पोर्टी तरीके के डिज़ाइन आपको यहाँ लेंगे। नीचे आप देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड डिफरेंट चूज़ करने के लिए ऑप्शन, प्लस जो आपका रिवर्स कैमरा है उसका ऑप्शन आपको या बटन उसको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्लस अगेन वेंटिलेटेड सीट्स जैसा हमने आपको बताया। इसके ठीक नीचे आप वायरलेस चार्जिंग की सुविधा आपको इसमें मिलेगी, प्लस इसके नीचे सामान रखने की जगह, 12 वोल्ट का पावर पॉइंट, USB के दो पॉइंट्स जैसा हमने बताया, दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन, एंड देन यू हैव दिस आर्मरेस्ट जिसके नीचे एयर प्योरीफायर का फिल्टर और फ्रेग्रेंस लगाने का पूरा स्लॉट यहाँ पर वो लगा हुआ है। सो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, और स्लाइड भी आपको ये करती हुई नज़र नहीं आएगी। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट दिस सीट, ए जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो तो आपको काफ़ी फंक्शनल इंडियन वेदर के हिसाब से लेंगे, आरामदेह लेंगे, बट डिज़ाइन के हिसाब से मुझे AC विंड्स का डिज़ाइन भी काफ़ी कूल लगता है। सो काफ़ी लोडेड सी जगह है, बड़े सारे कंट्रोल्स, बटन्स, स्विचेस, नॉब्स हैं, बट एट द सेम टाइम जो फीलिंग आपको मिलती है वो प्रीमियम ज़रूर मिलती है। साइज़ के हिसाब से हल्की नैरो लगती है, बट अदरवाइज आई गेस कंफर्टेबल है मेरी हाइट के ड्राइवर के लिए भी, और जो लेआउट है काफ़ी खूबसूरत आपको लगेगी। और हाँ, पीछे जाने से पहले इसके सनरूफ का जिक्र तो मैं करूँ, साइज़ जो है दैट इज़ डीसेंट, दैट्स नॉट ह्यूज बट यू विल लाइक इट। अब बात हो गई क्या सेकेंड रो की, वहाँ जाके देखते हैं कि कहानी कैसी है। क्रांति सबर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ किया सोनेट, और यहाँ पर सीट्स फर्म, अच्छे बोल्स्टर्ड आपको मिलेंगे, बैक एंगल मुझे अच्छा मिल रहा है, हेडरूम मेरे हाइट के हिसाब से मैं कहूँगा इस सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ठीक आपको लगेगा। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर ठोस, अच्छे कप होल्डर्स, ओवरऑल फील जो है वो आपको काफ़ी फर्म, काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिलेगी। AC वेंट्स आपको पीछे के हिस्से के लिए दिया गया है, एक USB का पॉइंट है, प्लस मोबाइल फ़ोन रखने के लिए एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है। व्हाट आई लाइक इज़ द होल फील ऑफ इट, प्रीमियमनेस। व्हाट आई डोंट लाइक इज़ द लेग स्पेस, नी रूम, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एवरेज इंडियन हाइट के लिए,
मामला चल जाएगा, क्योंकि ये जो सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। तो लंबे लोगों के लिए जो जगह है वो आपको थोड़ी सी कम लग सकती है। दो लोग काफ़ी आराम से बैठेंगे, तीसरा जो पैसेंजर है वो थोड़ा एडजस्ट करेगा, हल्का सा ये बीच का हिस्सा उठा हुआ आपको नज़र आएगा, बट बीच में जो टनल है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। सो आई गेस तीसरे जो पैसेंजर हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल दो लोगों के लिए ज़्यादा आरामदेह आपको जगह मिलेगी। सभी डोर पैनल्स में आपको बॉटल्स रखने के लिए बड़ी सी जगह देखने को मिल रही है, और बोस की बैजिंग भी आपको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली वो तो देना ज़रूरी है यहाँ पर, वो एक एक्सक्लूसिव फीचर, इसमें कंपनी ज़रूर उसके बारे में बात कर रही है। अब क्या बचा है? जी अब बची है वही बात जिसकी वजह से शायद आपने स्टोरी देखनी शुरू की। हाउ डज दिस ड्राइव, किया सोनेट की ड्राइव कैसी है? जितनी खूबसूरत ये लग रही है, फीचर से जितने लोडेड है, क्या ड्राइव के हिसाब से भी इतनी ही पोटेंट होगी, इतनी काबिल होगी? लेट्स सी। सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड, हाल फिलहाल में जो भी छोटी एसयूवीज़ की स्टोरीज होती है उसमें वी हार्डली टेक इट यू नो ऑफ रोडिंग एंड ऑल, लेकिन थैंकफुली या कोइंसिडेंटली इसे अच्छे लोकेशन पे शूट करने के चक्कर में जहाँ पर हम पहुँचे वो काफ़ी मुश्किल रास्ते थे, और एसयूवीज़ को लेकर ही आप ऐसे रास्तों पर आमतौर पर जाते हैं, और वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा सोनेट इम्प्रेस्ड। तो उस एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया मुश्किल रास्तों के ऊपर सोनेट का, और वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। अगर सेल्टॉस वाला एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर लागू करूँ तो आई वुड एक्सपेक्ट कि थोड़ा रिजिड साइड में इसका सस्पेंशन ज़्यादा होगा, बिकॉज दैट वाज द एलिमेंट विच सेपरेटेड क्रेटा एंड सेल्टॉस मेरी नज़र में ड्राइव के हिसाब से। सेल्टॉस थोड़ा रिजिड साइड में उसका सस्पेंशन ज़्यादा है, बट यहाँ सोनेट का सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छा बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, इवन ऑन दोज रफ पैचेस अंडुलेशंस जो भी मुश्किल रास्ते थे जिसमें आप इस तरह की गाड़ी को लेके जा सकते हैं, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा भी, वहाँ पर काफ़ी बैलेंस तरीके से ये उन मुश्किल रास्तों के ऊपर से गुजरी, प्लस कैबिन के अंदर वो शोर आपको महसूस नहीं होता है, और ओवरऑल आई फील ऑन रोड ऑफ रोड या मुश्किल रास्तों के ऊपर भी सोनेट का सस्पेंशन मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है। And now let's talk about the driving part, जो डीजल और ऑटोमेटिक के कॉम्बिनेशन से महसूस होता है, वहाँ पर मैं कहूँ कि अगर हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो ब्रेकिंग है कॉन्फिडेंस देने वाली प्रिसाइज मुझे लग रही है, स्टीयरिंग का बिहेवियर भी आपको प्रिसाइज लगेगा, काफ़ी यू नो जो फीडबैक जिस तरीके से मिलता है वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है। सो ओवरऑल काफ़ी सॉर्टेड ये ड्राइव मुझे लग रही है। अगेन डीजल और ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर शुरुआती आरपीएम के ऊपर ताकत थोड़ी सी आपको कम लगेगी, लेकिन उसके बाद जब आप ऊँचे आरपीएम पे जाएंगे तब ये तेज़ तर्रार भागती है, तो वहाँ पर जो इसका ग्रंट या टॉर्क आप फील करते हैं वो थोड़ी ऊँचे आरपीएम पर शुरुआती आरपीएम पर फील होती है कि हाँ हल्का सा लैग आप महसूस करेंगे। तो ओवरऑल जिस सेगमेंट की गाड़ी है, जिस माहौल में आप इसे ड्राइव करेंगे, वहाँ के हिसाब से मुझे इसकी जो ड्राइव की फील है मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रही है। थोड़े मैकेनिकल्स की अगर बात करें तो तीन आपको ट्रैक्शन मोड मिलेंगे, अलग अलग ट्रैक्शन मोड इसमें मिलेंगे, तीन ड्राइविंग मोड आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंजन ऑप्शंस चार हैं, ट्रांसमिशन का ऑप्शन चार हैं, एंड इन केस यू वरीड कि हम केवल डीजल ऑटोमेटिक की बात करेंगे तो वो आप चिंता मत कीजिए, बिकॉज अंकुर इज़ वेटिंग फॉर अनदर कार, और वहाँ पर वो मेरे ख्याल से पेट्रोल ऑटोमेटिक या आईएमपी चलाने वाले हैं। सो उस स्टोरी का भी आप ज़रूर वेट कीजिए, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो हम कर रहे हैं तो सवाल का जवाब तो होगा कि बिंदु कहाँ विश्राम कर रही है, और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस सोनेट में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जिस सेगमेंट में आई है, जिस बनावट में आई है, जहाँ इसका कंपटीशन है, उस हिसाब से एक्सेप्ट फॉर सेकेंड रो स्पेस लेग स्पेस मुझे और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं लग रहा है जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। बिंदु फिर विश्राम कहाँ करती है? तो मेरे ख्याल से लोडेड तो है, पोर्टेंट तो है, तैयार है अपने सेगमेंट को से भिड़ने के लिए बाकी सारी गाड़ियों से,
ओनली थिंग इज अगेन प्राइसिंग, प्राइस के हिसाब से आपका दिल ये जीतती है कि नहीं, बिंदु वहीं विश्राम करती है। सो आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ इसमें आपको अच्छी लगी, कौन सी अच्छी नहीं लगी, मेरे वीडियो में आपको कौन सी चीज़ ठीक लगी, या मेरा कौन सा ओपिनियन आप उसे डिफर करते हैं। डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। YouTube के ऊपर हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, Instagram, Twitter और Facebook, यहाँ पर सारे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप ज़रूर हमें फॉलो कीजिए, हमें यानी टाइम्स ट्राइव को। बाय बाय।